स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग आ गए हैं जयपुर। जयपुर में रुके हैं लेमन ट्री होटल में। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। पहले भी रुक चुका हूँ मैं यहाँ काफ़ी बार। तो रूफ टॉप पे एक बार है और स्विमिंग पूल भी है। गाड़ी से उतर गए और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कमरा। ये सामने रिसेप्शन बैठने का। यहाँ पर फ्रेगनेंस फ्रेस्को के रख रखे हैं और जहाँ स्पीकर मोड थी ठेका वार की टाइमिंग बता रखी है। यूएस डॉलर का रेट भी बता रहे हैं 76। तो अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, चेक इन करते हैं। तो भाई वेट कर रहा हूँ मैं वेटिंग एरिया में। वो रिसेप्शन पे खाली एक ही बंदा था, वो बिजी है तो अभी चेक इन नहीं किया है। लेट्स सी कौन सा रूम मिलता है। थक गए यार बहुत ज़्यादा। रूम मिला भैया 301। और जैसे लेमन ट्री की लिफ्ट में आपने देखा ही है सारे शहरों के नाम होते हैं जहाँ जहाँ होटल होते हैं। बोला तो इन्होंने कि रूम को रिनोवेट किया है, चलिए अंदर देखते हैं। पहले फ्लोर पे इनका स्पा भी है, खुला हुआ है अभी। ओपन ओके तो चलते हैं इधर से 301। अरे यही है ये घुसते मानी है भाई, क्या बात है। हर बार की तरह मैं आपको दिखा दिखा के बोर हो गया हूँ। आप फिर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे टॉयलेट, लेमन ट्री के हैंड वॉश खुद के यूज़ करते हैं। ये री टॉयलेटरीज, दो ग्लास दे रखी है। ये शावर रूम, शावर में अच्छा ग्लासेस लगा रखी है। राइट हैंड साइड पे सामान आ गया मेरा, चप्पल स्लीपर्स, और ये दे रखी है सेफ्टी के लिए। अलमीरा में आयरन दे रखी है, हैंगर भी है। आ जाओ बैग ले आओ, इधर सामान रख देंगे। इधर इलेक्ट्रिक केटल, खाने पीने का आइटम सब पेड होता है। पानी की दो वाटर बेली यूज़ कर रहे हैं, हर बार वही यूज़ करते हैं ये। ओके तो रेनोवेट करने में आई थिंक, अच्छा ये किया है इन्होंने तो बैकग्राउंड चेंज किया है, लाइट्स चेंज किए हैं इन्होंने थोड़ी सी, है ना। जो मुझे लग रहा है स्पेस देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक स्पेस ठीक है जो नॉर्मली होटलों में कम होती है। और वैसे होटलों में सामने ना, जब भी आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में, एक पेंटिंग होती है। यहाँ पे कोई पेंटिंग है, कोई आर्ट वर्क नहीं है। फील दी है होम देने की। इस साइड वर्क स्टेशन है, यहाँ पर भी लाइट लगा रखी है इन्होंने। इधर काउच दो लगा रखे हैं। व्यू तो मुझे नहीं लगता कुछ खास होगा, देखता हूँ। अभी तो शाम हो रही है, यहाँ कुछ नहीं है। होटल में मैं रुका था तो हमारे फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि आपको हम कहीं लेके चलते, तो यहाँ लेके आए हैं मालविया नगर के पास, गौरव टावर के पास एक रेस्टोरेंट है। आप देखो ऊपर डलिया डलिया लगी हुई है और रूफ टॉप है बेसिकली ये। अभी आपको नाम वाम बताता हूँ, अभी तो आप देख लो। यहाँ पर सिटिंग बनी हुई है, कुछ सिटिंग यहाँ पर बैठ सकते हो, खा पी सकते हो। इधर बार एरिया है इनका और उधर भी बना हुआ है ऊपर बैठने का। चलते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। तो इस साइड से है एक एरिया, ये भी है वो, इधर से भी रास्ता है ऊपर जाने का भी है। और ये रहा पूल, देख रहे हो। तो ऊपर हम लोग जाएंगे अभी, इधर भी बैठ सकते हो आप चाहो तो। ऊपर चलते हैं, आओ। गाने चल रहे हैं लोका लोका। यहाँ पर भी बना हुआ है बैठने के लिए, आई थिंक हम लोग उस साइड जा रहे हैं। अरे और भी ऊपर है, ओहो पूरा एरिया दिख रहा है भाई। WTP दिख रहा है सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो उनको जूम करके दिखाता हूँ। जूम नहीं हो रहा है, अभी चलता हूँ। ओ इधर से भी व्यू देखो यार, क्या बात है। इधर भी लोग बैठ सकते, हॉजकास विलेज दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर आके। इधर भी बना हुआ है ऊपर, गाने मस्त चल रहे हैं भाई, कॉपीराइट ना आ जाए। यहाँ पर है ये सिटिंग, आइए वो बैठे हैं हमारे दोस्त लोग। ये भी सेट हो रखा है। यहाँ पर आए, जगह का नाम है यो यूनिवर्स लाउंज। ये मंगाया गया है, हम लोग सिर्फ यहाँ जूस पी रहे हैं भाई। यहाँ पर आए थे हम लोग और अब जा रहे हैं वापस भाई। वापस होटल आ गए हैं और
लेमन ट्री के होटलों में एक चीज़ मैं बता दूं, हालांकि मैं वॉशरूम में हूं, बट हर वॉशरूम के अंदर ना यहां पर एक स्टोरीज होती है छोटी छोटी, हर वॉशरूम में। ये देखो अंडरस्टैंडिंग इंजीनियर्स करके स्टोरी है एक, द वे चिल्ड्रन सी थिंग्स। जब भी आदमी टॉयलेट करता है पूरी स्टोरी पढ़ता है, सीरियसली बता रहा हूँ, ये ऐसा होता है यहाँ पे। तो ये सेकंड फ्लोर पे इधर इनका बार है और इधर प्लेइंग एरिया भी है और सामने जो है खाने पीने का है। और यहाँ पर इनका एक रिपब्लिक ऑफ नूडल्स, ये इनका रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के अंदर ये बड़े अच्छा इन्होंने ये सजा रखा है। ये देखो आप, फिलीपींस, मनीला, बहुत बढ़िया। लेकिन खाली रहता है जब भी मैं आया हूँ यहाँ पर। और अंदर खाने का आइए देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। एक ले लिया मैंने यहाँ से, मन तो नहीं ज़्यादा खाने का, ये आपको दिखा देता हूँ लेकिन क्या क्या है। इधर सूप लगे हैं, ब्रेड्स लगी हुई हैं, ग्रीन सैलेड लगा है, इधर भी सैलेड लगा हुआ है, ये मशरूम पालक के कबाब, ये हमने वहाँ मांगे थे मिले नहीं थे, इधर हनी चिली विंग्स है, ये ले लेता हूँ मैं। ले लिया मैंने, इधर नॉनवेज लगा है साइड भी, ये कढ़ाई चिकन है, इधर वेजिटेरियन आइटम लगा है, पालक पास्ता, सामने शेफ वो भी लगाई क्या, मेथी चना, ये पापड़ लगे हैं, टिंडा मसाला, चितौड़ की सब्जी, दाल ढाबा, स्टीम राइस, और इधर कॉफ़ी वॉफ़ी लगी, सुबह दिखा दूंगा आपको प्रॉपर मैं वैसे। और यहाँ पर सेटिंग है, फिर चेंज करने का मन था, नूडल्स ले लिए मैंने और ये पास्ता ले लिया, ये पास्ता था भाई ठीक लग रहा है मुझे, ले लिया मैंने ये। स्वीट का काउंटर है, राइस क्रीम लगी है, मैं स्वीट ज़्यादा खाता नहीं आपको पता है। बालूशाही, बालूशाही ऐसी कब से हो गई, तो लड्डू लग रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी क्रम्बल केक देखने में तो सही लग रहा है, मैंगो डिलाइट, वाह ये भी सही लग रही है। इधर क्या लगा, कोकोनट जामुन, कोकोनट ऊपर से रसगुल्ले हैं बेसिकली, ये उसके ऊपर कोकोनट छिड़क दिया गया। ये क्या, ऑरेंज टार्ट, ये ठीक लग रहा है, टार्ट खा सकता हूँ मैं। उधर क्या लगा है, चॉकलेट लेमिंटन, और इधर फ्रेश फ्रूट्स, ये सुबह भी यही चला देंगे मुझे ऐसा लगता है। आपको दिखाया मैंने, ये खा रहा हूँ मैं। तो भाई खाना खा लिया, और ये जो है भाई इन्होंने वाइन को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रख रखा है इन्होंने यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी लगा रखी है जो मैंने दिखाई थी आप, अभी कोई है नहीं, आप चाहें तो सामान ले जा सकते हैं, लेकिन कैमरे लगे हैं तो बिल हो जाएगा आपके ना, जब आप चेकआउट करोगे तो ऐड हो जाएगा आपके अकाउंट में। यस, गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, थोड़ा सा लेट उठा मैं, लेट सोया था। ये विंडो से व्यू है, सिटी व्यू दिख रहा है, कुछ घर रहे हैं और कुछ पीछे आप देखो तो कॉम्प्लेक्स है, एक होटल लग रहा है। तो अभी तो मैं तैयार हो गया हूँ, और ओवरऑल आपको फीडबैक बता दूँ रूम का। रूम में जो बोल रहे हैं कि रेनोवेशन क्या, लाइट्स इन्होंने लगाई है, कुछ पैनल्स चेंज किए हैं, ऐसे कोई एसेसरीज नहीं चेंज किए जो नॉर्मली होती है अगर रेनोवेशन में आप करो तो। लुक चेंज हो गया ऑफकोर्स, लुक वाइज रेनोवेशन हुआ है, आप देख सकते हो पीछे बेड पे ये जो लगा रखा है इन्होंने, पैनल लगा रखा है, एक बेसिकली घर टाइप की फीलिंग देने की कोशिश की है, जो मैंने आपको बताया भी था जब मैंने चेक इन किया था। और प्लस रूम में यहाँ पर एक ब्लाइंड लगा दी गई जो वॉशरूम से दिखती है, बाकी तो कुछ चेंजेस मुझे ज़्यादा लगे नहीं। अब जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने और वहाँ दिखाता हूँ आपको क्या है। करते वक्त मैंने आपको दिखाया था स्पा, स्पा के साथ साथ ये अंदर फिटनेस सेंटर भी है, मैं तो गया नहीं अंदर अभी, जिम भी है बेसिकली। ब्रेकफास्ट करने आ गया हूँ, प्लेट ले लिए, एक लाइव काउंटर भी है यहाँ पे, ऑमलेट ऑमलेट कुछ बनाना हो तो आप ले सकते हो, इधर जूसेस वूसेस लगे हुए हैं कुछ ले लेता हूँ जूस में। इधर लगा हुआ है अपना सीरियल्स, इधर लगे हुए हैं बटर और ब्रेड, और इधर क्या रहे ख़त्म हो गया आलू पराठा, चलो मंगाता हूँ अभी। इधर पोहा लगा है, पोहा तो मेरा फेवरेट है, वही ले लेता हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा इधर भाजी लगी है, पाव लगा, इडली लगी फ्रेश, देखो मेरा कैसे लग रही है।
ठीक लग रही है देखने में, यही खा लेता हूँ मैं। और क्या लगा है इधर? सांभर लगा है, चटनी वटनी लगी है, इधर मैगी है, मैगी मसाला, सुबह सुबह वेज टिक्की और ब्रेड पकौड़ा, और इधर कॉफ़ी वॉफ़ी लगी हुई है। ये छोटे वाले अनियन उत्पम भी लगे हुए, अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने ले लिया छोटा सा एक ब्रेड पकौड़े का पीस, बैठ गया मैं, सारा सामान लिया है, थोड़ा सा और मंगाया मैंने, और ये लुक है यहाँ से। ब्रेकफास्ट कर लिया, इधर लगे हुए हैं फ्रूट्स व्रूट्स जो कल रात में भी लगे थे, दिखाए थे मैंने। इधर वेज सैंडविच लगा हुआ है, ये नहीं खाया मैंने। इधर लगा हुआ है ब्रेड पम्पकिन, सब खोल खोल के दिखा देता हूँ आपको। हालांकि मैंने ये भी नहीं खाया है। इधर लगा हुआ है सिनेमन रोल, ठीक लग रहा था देखने में, बट ये भी नहीं खाया क्योंकि मैं काफ़ी कुछ खा चुका था। आपने देखा मफिन्स लगे हुए हैं, और ये लगा हुआ है फ्रूट बन, पाव भाजी की तरह है लेकिन ऊपर शुगर डाल रखी है इन्होंने। मैंने जो खाया था, मैंने ये चाय के साथ ये ले लिया था टी केक, एक ही स्लाइस ली थी, इन्होंने शुगर ज़्यादा है, तो यही सब लगा है। अब मैं वापस जा रहा हूँ चेकआउट करने। अब तो भी नाश्ता कर लिया, इसे भी दिखाया आपको। मेन्यू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, वैरायटी काफ़ी रहती है। बहुत से होटलों में देखा है मैंने वैरायटी नहीं रहती है, इस होटल में वैरायटी रहती है। बट मेरा फीडबैक ये रहेगा कि जो भी सर्विंग के लिए आते हैं उनके कान तेज होनी चाहिए कि क्या ऑर्डर किया है उसके हिसाब से लाना चाहिए। चलो चेकआउट करते हैं। तो टोटल इनके 9 फ्लोर है भाई, और हर फ्लोर पे क्या क्या है वहाँ पढ़ लेना। सेकंड फ्लोर पे इनका रेस्टोरेंट है, और रूफ टॉप पे इनका पूल है। करने के लिए वेट कर रहे हैं, और ये जयपुर लोकल करके कोई कार्ड बनाया आई थिंक, यहाँ पर ऊपर एक बार है उसके लिए, और लोकल आई थिंक हर जगह चलता होगा, और इंडिगो का इंटरव्यू भी चल रहा है यहाँ पे, और आपको पता ही कौन सा होटल है, लेमन ट्री। चेकआउट कर लिया यार, MAP पे हमारा कॉर्पोरेट बुकिंग थी, तो डिनर तो हमने रात में किया था, आपने देखा ब्रेकफास्ट भी सुबह किया। 4484 करके बिल आया है, और रिसेप्शन पे करण है, अच्छा लड़का है, लेकिन बेचारा अकेले काम करता रहता है, थोड़ा सा टाइम लगा चेक इन चेकआउट में। बट मैं यही बोलूँगा कि अगले मिनट वाले ये वीडियो देख रहे हो तो एक स्टाफ और डालो चेक इन चेकआउट में, ताकि जो लोगों को थोड़ा जल्दी हो रही है ऑफिस जाने की, जहाँ भी उन्हें जाना है, थोड़ा टाइम बचे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।